अलीशा जल्दी जल्दी काम कर ले, देर हो गई ना तो तेरी दादी अभी कयामत ले आएंगी। अम्मी कर तो रही हूँ, इस घर में कोई हाथ तो बटाता नहीं है, बस सबकी फरमाइशें पूरी करते रहो। चुप, आराम से, किसी ने सुन लिया तो? सुन लिया तो सुन ले, मैं डरती नहीं हूँ आपकी तरह। अलिशबा जा लेकर जा जल्दी जल्दी, डरती नहीं हूँ। तुम ना माँ बेटी जल्दी उठ जाया करो, सोती रहती हो, कोई ढंग से सहरी भी नहीं कर पाता। अकरम, तेरी बीवी और तेरी बेटी काम चोर हो गई है। अलिशबा सुना नहीं दादी क्या कह रही है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाई सब लोग कहाँ हैं, उठे नहीं बेटा? हाँ आवाज लगाओ। फवाद बेटा इधर बैठो मेरे पास। अरे सहरी बन गई? अलिशबा बेटा चाय तो निकाल के ले आओ। अलिशबा फवाद के लिए दही भी ले आना एक प्याली। फवाद बेटा दही खाने से प्यास नहीं लगती। अम्मी चाय दे। एक मिनट दे रही हूँ, ये ले जा जल्दी से देकर आ, कहीं देर ना हो जाए, डांटेंगी। वो तो वैसे भी डांटती रहती है अम्मी। अच्छा वो दही कहाँ रखी है? हाँ, जा ना जल्दी जल्दी, घर सहरी खत्म होने वाली, जल्दी जा। अम्मी प्लीज जल्दी आ जाए। हाँ पर... भूखे कहीं के सब खा गए। अम्मी मैंने आपसे कहा भी है कि हमारे लिए अलग से निकाल दिया करें। सब्र शुक्र करके चुपचाप खा ले। आप कभी कोई शिकवा मत किया कर। हे आशीष, क्या हर वक्त बंद करो यार ये किताब, क्या हर वक्त किताबों में सर घुसाए बैठी रहती हो। मेरा नाम अलिशबा है। होगा, मैं तो आशी कहूंगा। अच्छा तो फिर मैं जब तक नहीं सुनूंगी जब तक तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओ। वैसे लड़की जितनी खूबसूरत तुम हो ना उतनी ही नक्चिड़ी भी हो, इतना पढ़ लिख के क्या करोगी, आखिर में करना तो वही है ना हांडी चूल्हा। तुमसे मतलब? मुझसे ही तो मतलब है जनाब। अच्छा फजूल बातें मत करो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्यों, यहाँ आने पर कोई पाबंदी है क्या? मेरा मतलब है कि तुम मुझे बुला क्यों रहे थे। हाय क्या करूँ इस दिल का, तुम्हें याद कर रहा था। तुम ये ना फजूल बातें मत क्या करो। अम्मी जान आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो मैं ये कह रही थी कि रमज़ान में खर्चे बढ़ जाते हैं तो इस दफ़ा घर का खर्चा ज़्यादा ही देना पड़ेगा। अम्मी जान आपको तो पता है हालात का कितना असर मेरे कारोबार पे पड़ा है। खैर मैं कोशिश करूँगा। तुम्हें तो पता है ना हमीद की जॉब कैसी है, उसका अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। आजकल बहुत परेशान है और जो भी करना है तुम्हें ही करना है। जी वैसे अम्मी फवाद ने तालीम मुकम्मल कर ली है, उसे जॉब कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ कर लेगा, अभी उम्र ही क्या है उसकी। बेटा तुम्हें तो पता है मैं रोज़ा नहीं रख सकती, दवाइयाँ खानी होती हैं। कब से बोला है मुझे खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। ज़रा खाना खाऊंगी तो दवाइयाँ खाऊंगी ना, तुम्हारी बीवी तो चाहती है मुझे कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये जान बूझ कर करती है तुम्हारी बीवी ये सब कुछ। भला सहरी के पास सोने की क्या जरूरत है, खाना बना दिया करे। और तुम्हारी बेटी वो तो मेरी एक भी नहीं सुनती, बिल्कुल माँ पर गई है। अम्मी फिक्र न करें, मैं अभी जाके देखता हूँ। अलिशबा
जी अबू। बेटा मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम अपनी दादी की कोई बात नहीं सुनती? उन्हें तुमसे बहुत शिकायत है। मुझसे यहाँ खुश कौन है? बुरा मत मानिएगा अबू, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दूसरे दर्जे की मखलूक हूँ, जिसे जब चाहे जैसे चाहे जलील कर सकते हैं। और मैं तो खाना भी आखिर में खाती हूँ। तो बेटा तुम्हें कोई मना तो नहीं करता है? हाँ, लेकिन अगर मैं भी खाना खाने बैठ जाऊं तो रोटी सालन पानी सलाद इन सबकी जिम्मेदारी टेबल तक पहुंचाने की अम्मी की ही रह जाती है, और वो बेचारी क्या क्या करेंगी अकेले। तो मुझे तो उनका ख्याल करना है ना, इस घर में कितने लोग हैं लेकिन सब अपनी जिम्मेदारियों से दूर है। सारा कसूर तुम्हारी माँ का है, उसने कभी किसी से बनाकर नहीं रखी, इसीलिए कोई उसके साथ काम करना पसंद नहीं करता, ना तुम्हारी ताई और ना तुम्हारी दादी। अब्बू असल में बस मुझे ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं, बड़ों की इज्जत करना सीखो। मैं नहीं चाहता जैसे मेरी बीवी इस घर में रहकर मेरे घर वालों से दूर रही, तुम भी ऐसा करो। अम्मी, दादी का रवैया क्या आपके साथ शुरू से ही ऐसा है? वो आपसे ऐसा क्यों करती हैं? ताई को तो वो बहुत पसंद करती हैं। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारे दादा के खानदान की हूँ। तुम्हारी दादी चाहती थी कि तुम्हारे अब्बू की शादी मेरे खानदान में हो, क्योंकि तुम्हारी दादी अपने ससुराल वालों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारे दादा ने एक नहीं चलने दी और मुझे लेकर आ गए। अच्छा, तो वो इसका बदला अब तक आपसे ले रही हैं, और उन्होंने तो अब्बू को भी आपके खिलाफ कर दिया है। बाज़ दफ़ा मर्द सब कुछ देखकर भी अंधा हो जाता है, उसे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन रहता है। ऐसे ही तुम्हारे अब्बू हैं, जो जो तुम्हारी दादी बोलती चली जाती हैं वो यकीन कर लेते हैं। मैं अब्बू को दादी और ताई के सारे कारनामे बता दूंगी एक दिन, और अब्बू को कभी ना कभी तो हमारी तरफ आना ही होगा, और घर का सारा खर्चा तो अब्बू ही उठाते हैं, फिर हम सबसे क्यों डरें? कैसी पागल लड़की है, ऐसा गजब कभी नहीं करना। अगर इन लोगों ने साजिश करके मुझे घर से निकाल दिया तो तेरा क्या होगा? अम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं आपके साथ और अपने साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। अब बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन माँ बाप की फिक्रें भी बढ़ जाती हैं। और एक बात बताओ, तुम ये किन चक्कर में पड़ गई? तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है और पढ़ लिख कर बहादुर औरत बनना है, समझी? किसी से नहीं डरना। अम्मी, अब आप भी ना इन लोगों से डरना छोड़ दें। कैसे ना डरूं इस खौफ से, ये खौफ मेरे लहू में बस चुका है। शुक्र है हर काम अच्छा दिखे तुम लोगों को, ऐसे हंसते रहो। अबू आ गई कमरे से निकल कर। अरे मैं तो कहती हूँ तुम दोनों माँ बेटियों को किसी के आने जाने का होश है कि नहीं? दादी, अम्मी नहीं है या आपने अम्मी को नहीं बुलाया? अरे तुम्हारी अम्मा को हमारी खुशियों से कभी मतलब रहा है? वैसे भाई अम्मी सच्ची कहती हैं, आपकी बीवी और बेटी के रवैये से ना बहुत दिल दुखता है हमारा। अरे ऐसी बात नहीं है, इसकी माँ किचन में अकेली लग रहती है ना, तो उसका हाथ बटाने चली गई हो। इसकी माँ कौन से कुएं खोती रहती है? अरे अम्मी आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई। अच्छा ये बताएं, ये मिठाई किस खुशी में आई है? अरे तुम्हारी बहन ने अपना घर कर लिया है। लेकिन परवीन तुम्हारा तो माशाल्लाह अपना अच्छा बड़ा घर मौजूद है। तो भाई वो घर तो मेरे ससुर का है ना, जब जायदाद बिकेगी तो साकिब के बहन भाइयों को भी तो बराबर का हिस्सा मिलेगा ना। वो घर तो झड़ता जा रहा है, ये तो मुझे कह रहे थे कि बनवा लेते हैं। भाई हम अपना पैसा क्यों लगाएं, हिस्से तो सबको बराबर के मिलेंगे ना, हमें भी उतना हिस्सा मिलेगा।
इसलिए कहते हैं अपना घर अपना ही होता है, इसलिए हमने तो अपना ले लिया। कि अम्मी मैंने अच्छा किया ना। सही है। ये मकान नए सिरे से मैंने तामीर करवाया, इसमें एक एक पैसा मेरा है, पर हिस्सा तो सभी का है। उदास हो? नहीं, बस ऐसे ही। कल दादी ने बहुत बुरा किया। मैं हैरान होता हूँ कि उन्हें तुम्हारी और चच्ची की कदर क्यों नहीं है। आज नहीं तो कल उन्हें हमारी अहमियत तस्लीम करनी ही होगी। मैं अम्मी की तरह खामोश नहीं बैठूंगी। तुम्हारी शिद्दत पसंदी से कभी कभी मुझे बहुत खौफ आता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। अरे ऐसे नहीं सोचते, जल जल कर अपने ही नुकसान करोगे। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही, मैं समझा तुम भूल गई हो। अच्छा गैस करो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या? तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा हुआ मेरी बेटी परवीन ने अपना घर ले लिया। कब तक सुसर के घर में रहती? जाहिर है ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे अम्मी परवीन कल बिना खाए पिए चली गई। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उनकी कल दावत की जाए, उसके शौहर की भी और बच्चों की भी। कह तो तू ठीक रही है। देखा अम्मी कितना ख्याल करती है मेरी बीवी परवीन का। अरे नन नहीं बहन समझती है ये। अरे यही तो फर्क है तुम्हारी और अकरम की बीवी में। ये मेरे खानदान की लड़की है, मुझसे जुड़े हुए हर रिश्ते की कदर करती है। और राबिया, राबिया को तो हर रिश्ता बोझ लगता है। वैसे अम्मी घर के दामाद की दावत है, मतलब तो अच्छा खासा एहतमाम करना होगा और बहुत सारी डिशेस भी बनवानी होंगी, खर्चा भी अच्छा खासा हो जाएगा। मैं कह रही थी कि राबिया और अलिश्बा से कह दीजिएगा कि अच्छे तरीके से एहतमाम करें हर चीज का। आपको तो पता ही है हर काम में सुस्त हैं वो। दिल से नहीं करती ना, और उनको बहुत बुरा लगता है जब परवीन या फिर मेरे ससुराल वालों में से कोई आए, मुंह बना लेती है। अरे इसका क्या मतलब है? अरे इसका शौहर अगर घर चला रहा है तो हम लोगों पे ही हुक्मरानी करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे जीते जी। अरे नहीं अम्मी, ये घर आपके दम से ही तो है। वैसे हमीद आप सारा सौदा लेकर आइएगा, किसी चीज की कमी होनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी बहन की दावत है, एक एक चीज ला कर दूंगा। हाँ भाई किसकी दावत की बातें हो रही हैं? तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी मैं बाहर काम से जा रहा था, तो मैं आपके पास दवाई का पर्चा लेने आया था। मुझे दे बताएं कौन कौन सी दवाई आएगी। अरे सारी ही आएंगी। अच्छा सुनो, वो मैं यही सोच रही थी कि कल परवीन और उसके शौहर की दावत कर लेते हैं अफ्तारी पे। हाँ तो ठीक है बुला लें। असल बात तो ये है कि खर्चा तो आएगा। अब ऐसा करो हमीद को पैसे दे दो तो ये सारा सामान लेके आ जाएगा। और हाँ मेरे पास जो होता है उस पर तो महीना भी बड़ी मुश्किल से गुजरता है। और अपनी बीवी को बता देना, उसको तो कोई होश नहीं होता। कल की अफ्तारी और खाना एहतमाम से बनाए। अगर उसे जहमत ना हो तो मुझसे आकर पूछ ले अम्मी क्या क्या बनाना है। ठीक है अम्मी, मैं जाके उसे बोल देता हूँ कि आपसे मिल ले। फ्रिज में रख देना, वो उठाओ। राबिया, कल परवीन अपनी फैमिली के साथ खाने पर आ रही है, तो तुम अच्छा सा एहतमाम कर लेना। और हाँ अम्मी से पूछ लेना क्या क्या बनेगा, और तुम भी बता दो खाने में क्या क्या होना चाहिए, हमीद भाई सामान ले आएंगे। ये तो आप घर वालों से पूछे ना, हम क्या कह सकते। क्यों बेटा, क्या तुम घर वालों में शामिल नहीं हो? नहीं हम घर वालों में शामिल नहीं, हम तो दूसरे दर्जे के लोग हैं ना। अलीबा कैसी बातें कर रही है, चुप चुप हो जाओ। अम्मी बोलने दे मुझे।
जो माँ बाप अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते और अपने घर वालों को ये नहीं बताते कि उनके बच्चों की क्या अहमियत है, तो उनकी जिंदगी मेरे ही जैसी गुजरती है। आप जाइए, मैं अम्मी से कल पूछ लूँगी कि क्या पकेगा। इसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। बेटा यहाँ वो ऐसे यहाँ देखो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आप हमारे हक के लिए क्यों नहीं बोलते? बेटा वक्त सब कुछ सिखा देता है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद लूँ। आप सच बोल रहे हैं अबू? अच्छा ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। सारे पैसे खर्च कर दो, ऐसे करना मैं आपको लिस्ट बना दूंगी, बाकी पैसे बचे मुझे दे देना। हाँ ठीक कह रही हो, बाकी पैसे जो बचे संभाल के रख लेना। बल्कि मैं अम्मा को ये बोल दूंगा कि पैसे कम पड़ गए, आप अकरम से और ले, कैसा? क्या बात है, क्या दिमाग चला रहे हो? तुमसे सीखा है बेगम। चाय चाय उठा, चाय उठा और मुझे भी पिलाओ बाद। ये लो, ये लो। चलो दोस्तों मजा आएगा। बाबा यही वाला घर है, आगे चल आगे चल। हाँ ये यही करो। आना अबे तूने ये देखा है, मजीद भाई का जो फाइल आया था है वो भी दे गया। सही है, आधी किस्त ये दे देगा, लेकिन आगे तू संभाल लियो इस। सही है, देख लियो अकरम भाई को। सलाम वालेकुम अकरम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? सलाम है, कैसे हैं? तुम्हारे इंतजार कर रहा था मैं यार। अरे क्या हाल है, आपने घर पे बुलाया, बताएं क्या बात है, खैरियत है? अरे सॉरी तुम्हें मैंने माजरत जहमत दी यार, वो तुम्हारी स्टेट पे तो आता लेकिन तुम्हें पता बंद है तो। अरे यार अकरम भाई दुकानें तो बंद है यार लॉकडाउन की वजह से। यार तुमसे मुझे जरूरी काम पड़ गया था। हाँ बताएं क्या बात है। वो मैं फ्लैट खरीदना चाह रहा हूँ। फ्लैट आपको भी चाहिए? क्या मतलब? मतलब यार वो आपके भाई है ना, बड़े भाई हमीद भाई, उन्होंने भी तो फ्लैट लिया है अभी। वो किसके नाम लिया है बाप? अपने बेटे फवाद। हाँ फवाद के नाम पर उन्होंने भी लिया है अभी। आपको बताया नहीं है क्या? नहीं मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा पता है, पता है। हाँ तो बताएं आप क्या निकालें फिर आपके लिए कोई फ्लैट। एक काम करते हैं ना, मैं एक दो दिन में उनसे फिर दोबारा रब्ता करता हूँ। चलो ठीक है ठीक है, बाप निकालो भाई के लिए जरा एक टाइट सा फ्लैट निकालो। ठीक है अकरम भाई हो जाएगा काम, अरे परेशान ना हो आप, हो जाएगा इंशाल्लाह। चल चल यार तू अज्जू के घर ले ले। सही है, वहाँ से डीपी की नहीं करना है। सही उसके बाद है ना, डीपी किराया नहीं दे रहा वक्कास की, अभी सर डीपी किराया नहीं दे रहा, आजकल डीपी को पकड़ना है। हाँ वो आगे निकला, डीपी को पकड़ ले। चले अकरम भाई अल्लाह हाफिज। जल्दी आ गया तो ऑफिस से। ये तुम क्या कर रही हो, अभी बीमारी से उठी हो? उस्मा भाभी की बहन आ रही है अमेरिका से, बस ये सब उन्हीं के लिए तैयारियां हो रही हैं। छोड़ो इसे, मेरे लिए कप चाय बना कर लाओ। हाँ बस अभी। मैंने कहा ना ये सब छोड़ो, जिनके मेहमान है खुद ही देख लेंगे। अब बात सुनो, ये मसाले की खुशबू बसे कपड़े ना तब्दील कर लेना, हर वक्त मासी लगती हो तुम।
भाई कल कहाँ गायब थे आप? इतना अहम दिन था, तुम दोनों मियां बीवी नहीं थे। लगता है बीवी का असर हो गया तुम्हें, बहन भाइयों से दूर भागने लगे हो। आप सब लोग थे ना, और वैसे भी मेरा होना ना होना बराबर ही है। भाई क्या कह रहे हैं आप? भाई हम तो सब आपको ही मानते हैं। लगता है तुम्हारी बीवी ने कान भर दिए तुम्हारे। माशाल्लाह फवाद का रिश्ता हो गया है पक्का, उसकी खाला उसको अमेरिका लेके जा रही है, इस घर की पहली खुशी है। और तुम दोनों मियां बीवी को कोई सरोकार नहीं। अच्छी बात है, जहां रहे खुश रहे। ये रूखी सूखी मुबारकबाद मुझे ना दो, अपने भाई को और भाभी को जाके दो। ठीक है, अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, वापसी में देख लूंगा। इसे क्या हो गया, अभी तो अच्छा खासा था। राबिया ने हमारे खिलाफ कर दिया इसको, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। देखा कैसे कान भर दिए। वैसे अम्मी हमीद भाई और उस्मा भाभी ने भी अच्छा नहीं किया, खानदान की लड़की छोड़ दी अमेरिका की लालच में। और अम्मी फवाद के लिए अकरम भाई ने क्या कुछ नहीं किया, हम सबके बच्चों से बढ़कर चाहा है उसको, ये महंगी तालीम दिलवाई, इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते थे उसको, अच्छा नहीं किया अम्मी इन लोगों ने भी। अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का, चुप करो। क्या हमीद अलिश्पा को अपनी बहू बना लेता? पूरी माँ पे गई है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। खैर आगे आगे देखें होता है क्या। आपने देखा अकरम भाई और राबिया को, मेरी बहन को देखकर जल गए, मिलने तक नहीं आए। असल में अकरम और राबिया ने फवाद पर कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। अब फवाद और अलिश्बा की शादी की वो ख्वाब सजाए बैठे, अब इसी दुख और जलन की वजह से इस तरह की हरकतें कर रहे। लो सुनो, अब क्या मेरे बेटे के लिए अलिश्बा ही रह गई थी? शहजादा है मेरा बेटा, शहजादा। अरे अपनी तो जैसे तैसे गुजर ही गई जिंदगी, अब हमारा बेटा भी बाहर चला जाएगा, हमारे भी हालात अच्छे हो जाए। क्यों नहीं इंशाल्लाह, इसीलिए तो वो जल रहे हैं हम लोगों से, वो तो चाहते ही नहीं है कि हमारे हालात अच्छे हों, और वो तो यही चाहते हैं कि हम सारी उम्र अकरम भाई के टुकड़ों पर ही पड़े रहें। अच्छा आपने वो गिफ्ट देखे? मैंने सारे गिफ्ट अलमारी में रख दिए छुपा के, कोई देखे ना। मैं यही सोच रहा था कि जब मंगनी पर इतने महंगे तोहफे दिए इन्होंने, शादी पर कितने महंगे तोहफे देंगे ये लोग। अरे आप आगे आगे देखिए कैसे कैसे गिफ्ट आएंगे। क्या सोच रहे हो राबिया? तुम्हारे मायके में कोई ऐसा लड़का है जो हमारी अलिश्बा पे दौड़ता हो? मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मेरा मायका तो लाहौर में है और मिलना जुलना भी नहीं है किसी से। बहन भाई तो आपस में मिलते हैं, हो सकता है बच्चों के रिश्ते तय हो चुके हों। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को हम लोग जिस हद तक आगे ले जाते हैं वो गलत है। अब देखो ना, मैं जिससे भी अलिश्बा के रिश्ते की बात करता हूँ, लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि लड़का घर में मौजूद है तो फिर भाई ने आपकी बेटी क्यों नहीं ली? बात तो सही है, क्या कह सकते हैं, यही दुनिया है। उनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी में कोई कमी है। मैं अपनी बेटी से गाफिल कैसे रहा? आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला तुम देखना हमारी अलिश्बा का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आएगा, बहुत अच्छे घर में शादी होगी उसकी। आमीन आमीन। चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। क्या सोचते रहते हो? तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारी भाभी उज़्मा तुम्हारे रवैये से खुश नहीं है। पता है रमजान के बाद
फवाद की मंगनी का फंक्शन करना चाह रहे हैं, इस घर की पहली खुशी है। और तुमने अपने भाई से पूछा भी नहीं है कि पैसे जरूरत है या नहीं। बेटा तुम्हारा फर्ज बनता है, भूल गया है क्या तू? मम्मी जान मैं खुद परेशान हूँ, आजकल मेरा खुद हाथ बहुत तंग चल रहा है। बेटा तुम्हारी तो जान पहचान बहुत है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना है, तुम कर्ज उठा सकते हो। मम्मी अब कर्ज उतारने की सकत नहीं मुझमें। क्यों घबरा रहे हो बेटा, दिल छोटा मत कर, फवाद अमेरिका जाएगा ना तो एक एक पाई लुटा देगा। अम्मी वो क्या क्या लौटाएगा मुझे? किसका फोन है? मेरा ख्याल है अभी इनकी बाजी का है। हेलो। अरे हाँ ये तो आपा का फोन है, फवाद की सास का। हाँ हाँ बात करो, क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा? और हमारी बेटी निमरा कैसी है? क्या ये क्या कह रही हैं आप? ये सब बकवास है, आप लोगों ने अपनी बेटी को इतनी छूट क्यों दी रखी है? हम लोग तो यहाँ पे मंगने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। आपा आपको कुछ एहसास भी है? क्या कह रही है? क्या डेट आगे कर दी है? अरे कुछ तो बोलो। अरे हुआ क्या, बात तो बताओ। क्या कह रही है? अरे मुझे तो कुछ बताओ। रोजा रख लिया कर? हाँ माँ कल रख लूंगा। बचपन से यही बोलते आ रहे हो, कल रख लूंगा, पता नहीं वो कल कब आएगी। अच्छा हुआ जान छूट गई उस बेहया लड़की से, मेरा फवाद गुजारा नहीं कर सकता। और क्या अम्मी, अरे मैं तो मुरव्वत में उज्मा की वजह से इनकार ना कर सका, वरना निमरा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी अपने फवाद के लिए। भला बताओ ये कोई बात हुई? अब वो उसको फूफीजाद भाई पसंद आ गया, उसके साथ शादी करना चाह रही है, बेहया। तुम लोग तो पूरे खानदान में बता चुके हो, अब क्या बहाना करोगे? मैं तो मंगनी का फंक्शन करूं, तुम्हारी क्या राय है? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे भी काम से जाना है, बाद में बात होगी। साफ कह देती हूँ अम्मी, मैं अरिशबा को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। कहाँ गई उसमें भाभी की अमेरिका की लालच? तेरा जवाब अरिशबा से छोटा है। हाँ कुछ सालों का ही फर्क है, और वैसे भी अपनों में ही सब चीजें नहीं देखी जाती। खैर आप रहने दें, अकरम भाई से मैं खुद बात कर लूंगी। आपका इंतजार हो रहा था भाई, अब आप बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। भाई होशियार है ना, तुम्हारी दौलत पे ना सबकी नजर है,
मैं ना और उज्मा का रिश्ता लेने का इरादा रखती हूँ, और ये हमीद भाई उज्मा भाभी है ना, इनसे तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही। वो अमेरिका के रिश्ते में कुछ हाथ नहीं आया ना, और उज्मा का रिश्ता लेना चाह रहे हैं, बल्कि ये दोनों नहीं अभी भी तो चाहते हैं आप फवाद के नाम कर दें अपना कारोबार। खैर छोड़े भाई इन लोगों को, आप बताइए आपका कारोबार कैसे चल रहा है? कौन सा कारोबार, कैसा कारोबार? सब खसारे में जा रहा है, मेरा तो बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। क्या वाकई? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? नहीं नहीं भाई, आप क्यों झूठ बोलेंगे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं भाई आप? आपका तो बेटी का साथ है, क्या बनेगा आपका? बस अब तो जो भी आएगा वो तन के कपड़ों में मेरी बच्ची को लेके जाएगा, कुछ देने का नहीं मेरे पास अब। अरे हाय, ये नौबत यहाँ तक पहुँचाई और तुमने बताया ही नहीं। मैं भी कहूँ आजकल गुमसुम क्यों हो, घर की गाड़ी कैसे चलेगी? अम्मी हमीद भाई उज्मा भाभी बोल रहे हैं ना लिजबा का रिश्ता लेने के लिए, उनसे बोले फौरन रिश्ता मांग लें। अच्छा है, अकरम भाई का बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा। पर भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। हाँ हाँ भाई, जाएं आप सो जाएं, वैसे भी अभी अलिजबा की उम्र ही क्या है, अपना वक्त आने पर सब हो जाएगा। और हाँ मैं आपको एक बात कहूँ, आप ज्यादा ज्यादा तवज्जो ना अपने कारोबार पर दें, पता नहीं कैसी कैसी खबरें सुना रहे हैं आप तो। क्या क्या सोचा था, क्या हो गया? खैर क्या कह रहे हैं अम्मा ये? क्या सोच रही थी मैं, अलिजबा का रिश्ता लेना चाह रही थी, इसी भी खराब है हमारा तो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, परेशान तो ना हो। जी अब्बू, अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, मैं स्कूल में जॉब कर लूंगी, प्लीज आप परेशान नहीं हो। देखा आपने, ये बेटी नहीं बेटा है हमारा। जिसके पास इतनी दौलत हो वो कहाँ गरीब कहलाएगा। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे साथ हो। आपसे एक बात कहूँ, अगर बेहतर समझे तो आप अलिशबा को अपने साथ ऑफिस ले जाया करें, अगर आपको बेहतर लगे तो। जी अब्बू, अगर आप पसंद करें तो मैं शाम में आपके ऑफिस आ जाया करूंगी और कुछ ना कुछ सीख भी लूंगी। बेटा क्यों नहीं, मैं तो हैरत कर रहा हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। बस ठीक है, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी, हम दोनों बाप बेटी साथ जाएंगे और साथ आएंगे। थैंक यू सो मच अब्बू। वेलकम बेटा। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे अम्मी आप बैठे, मैं आप लोग लिए बहुत अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। शाबाश बेटा, मीठा कम रखना। जी तुम्हारे चाचा अपनी बेटी को ऑफिस लेकर जा रहे हैं। अरे तुम भी साथ चले जाया करो, कम से कम ये तो पता चले कि कारोबार की क्या सूरत हाल है। हाँ बेटा तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अकरम भाई का कल को तुमने सारा कारोबार भी संभालना है, और वैसे भी अलिशबा ऑफिस जाने लगी ना तो खुद मुख्तार हो जाएगी और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वैसे भी मुझे मूज और बहू नहीं चाहिए। ओहो अम्मी, पहले पता तो चले अकरम चाचा के पास बचा क्या है, अगर वो बिल्कुल ही कंगाल हो चुके हैं तो मैं हरगिज़ से शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करूंगा, पहले अपनी काबिलियत तो देखो। अरे मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है कि इसका बनेगा क्या। ओहो अम्मी, अकरम चाचा ने अपनी बेटी के लिए कोई जायदाद भी नहीं बनाई, और अगर कारोबार भी अभी नुकसान में चल रहा है तो भला हमें क्या फायदा यहाँ शादी करके। कह तो ठीक रहा है ये, ऐसे करो बेटा कुछ दिन ऑफिस जाके हालात का जायजा ले लो, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तुम दोनों के सामने मेरी पहले कभी चली क्या? अरे ये बात कहां से आ गई बीच में। अकरम कल से फवाद भी तुम्हारे ऑफिस जाया करेगा।
फिलहाल तो मेरे ऑफिस में जगह नहीं है, और वैसे भी ये क्या कर सकेगा वहां पर। अरे क्या जरूरत है इसको जॉब करने की, आखिर कल को तुम्हारा कारोबार सारा यही तो देखेगा। अम्मी अल्लाह सलामत रखे मेरी बिटिया को, यही अपने बाप का कारोबार देखेगी। ओहो तो मेंढकी को भी जुकाम हो गया, खबरदार ये हमारा आपस का मामला है, अगर तुम दोबारा बोली ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी जब घर की और खवातीन बोल सकती हैं तो मेरी अम्मी के लिए क्यों पाबंदी, आप ताई को क्यों नहीं कहती हैं बात। लो देखो सारी फसाद की जड़ तो ये लड़की है, हर वक्त अकरम भाई के कान भरती रहती है ये। आप तो जैसे बहुत मासूम है ना ताई, आप लोगों की अमेरिका में दाल नहीं गली तो यहाँ आ गए मेरे अब्बा के बिजनेस पर नजर डालने के लिए। अलिशमा तुम हद से बढ़ रही हो। लो सुन लो अपनी नाफरमान बेटी की बातें। ठीक ही तो कह रही है, मेरी बेटी इतनी गई गुजरी है अम्मी कि किसी के हाथ में भी हाथ दे दूं उसका मैं। तुम ही तो करना चाह रहे थे फवाद का रिश्ता अपनी बेटी के साथ, जब फवाद का अमेरिका में रिश्ता हो गया तुम दोनों मियां बीवी के चेहरे उदास थे, अब क्या हो गया है। उस वक्त मेरी आंखें नहीं खुली थी, अपनी बीवी और बेटी से ज्यादा मैं आप लोगों पर भरोसा करता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अकरम तुम जज्बाती हो रहे हो, ये तुम्हारी बीवी की कोई नई चाल है। अरे हम दोनों भाइयों को लड़वाने की। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी बीवी और बेटी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। कान खुलकर सुन ले मेरी बात ये, और अम्मी जान मैंने अपना अलग मकान खरीद लिया है, आप अगर साथ रहना चाहती हैं तो बता दें। नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैंने तुम सबको एक ही धागे में पिरोया था और तुमने अपनी बीवी और बेटी की बातों में आकर पूरी लड़ी को तोड़ दिया। ये लड़ी तो कब की टूट चुकी थी अम्मी जान, बस देखने में देर कर दी। मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि अकरम भाई ना झूठ बोल रहे, कोई भी कारोबार में नुकसान वगैरह नहीं हुआ उनका, और मेरी बात है ना कान खोल कर सुन लो। तो मैं तुम्हारी अम्मा को रखने वाली नहीं हूँ अपने पास, मैं राबिया नहीं हूँ। आहिस्ता बोलो अम्मा सुन लेंगी। सुनती हैं तो सुन ले मेरी बला से, पहले अकरम खर्चा देता था उनका, अब कौन उठाएगा उनके खर्चे। उनको बोलो अपना सामान पैक करें और जाए, मैं नहीं हूँ रखने वाली उन्हें। ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का उज़्मा, बाद में कह दूंगा मैं। बाद बाद में नहीं, इसी वक्त इस बात का फैसला होगा। राबिया ने उनके कितने काम किए, वो उसकी नहीं हुई तो वो मेरी क्या होगी। मैं देखो उस बुढ़िया को रखने वाली नहीं हूँ, कौन देगा वक्त पर उन्हें खाना, कौन दवाइयाँ देगा उन्हें। तो क्या बोलूँ उनको मैं, ये बोल दूँ कि आप अकरम के साथ चली जाए। तो आपको किस बात का डर पड़ा हुआ है, अभी के अभी जाए इस बात का फैसला करें, नहीं तो सारी उम्र के लिए वो बोझ बन जाएगी हम पर। जो करना है अभी के अभी फैसला करो, उनका सामान जाकर पैक करवाओ, वरना तो उनका सारा सामान मैं सड़क पर फेंक दूंगी। अरे अच्छा चलो ठीक है मैं कुछ कर लूंगा, तुम तो कम से कम गुस्सा मत करो यार। आप हमारे साथ चलिए। पिता, मैंने तुम पर हमेशा उज़्मा को तरजीह दी, जबकि मुझे पता है मेरा एक एक चीज का तुम ख्याल रखती है, और मेरे सामने कभी ज़ुबान भी नहीं चलाई। और ये उज़्मा जिसको मैंने अपने खानदान से चाह के ब्याही थी, और मेरी दो रोटी इसमें भारी पड़ गई। मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है पहचानने में, मुझे माफ कर दो, मुझे पहचानने में गलती हो गई। जान ऐसा मत करे। दादी ऐसे नहीं बोले। अब तो मेरी जन्नत है, हमारे घर का, हमारे घर की सरबरा है, बस आप मेरे साथ चलो। हाँ दादी आप हमारे साथ चलो, चलो हमारा घर आपके बिना खाली है, आप हमारे साथ चलो। कृष्णा
दादी का सामान ये मैं पकड़ लूँ। आ जाए।